गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड हाउ आर यू। आई होप यू आर वेरी वेल। एंड इन द लास्ट लेक्चर वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर सेकंड, दैट इज लार्ज नंबर। एंड टुडे वी विल स्टार्टेड एक्सरसाइज 2.8। So look at the board. So students, we have any numbers. Suppose 2000. Okay. So हमने इसमें बोला कि next three number find कीजिए. Okay. यह हमारे पास नंबर एक गिवन है एंड हमें इसके आगे थ्री नंबर फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट थ्री नंबर मतलब जस्ट बिफोर स्टार्टिंग थ्री नंबर। ओके, टू थाउजेंड प्लस वन। ओके एंड टू, सो इसका आंसर क्या आएगा, 2001 एंड 2001 प्लस वन 2002, सो 2002 प्लस वन 2003। ओके, हम इससे इस मेथड से भी कर सकते हैं। हर एक जैसे हमने गिवन नंबर में वन ऐड किया तो हमें एक न्यू नंबर प्राप्त होगा, देन हम इस न्यू नंबर में वन ऐड करेंगे, तीन बार वन वन ऐड करेंगे थ्री टाइम्स, तो हमारे पास थ्री न्यू नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ओके, इसके जस्ट बिफोर। और सेकंड मेथड, मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकंड। ओके, 2000, हमें थ्री नंबर फाइंड करने बोला था, 2000 प्लस वन इज इक्वल टू 2000 प्लस टू इज इक्वल टू 2000 प्लस थ्री। ओके, तो इसका आंसर 2001, 2002, 2003। ओके स्टूडेंट, हम इसे इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इस मेथड में हमें गिवन नंबर में वन ऐड करना है, देन हमें न्यू नंबर प्राप्त होगा जिसे हमने, सो न्यू नंबर में हमें फिर से वन नंबर ऐड करना है, दैट मीन्स थ्री टाइम्स हमें वन वन नंबर ऐड करना है। ओके, लेट सेकंड मेथड में थ्री नंबर्स प्राप्त करने बोलना है, आपको फाइव नंबर्स भी प्राप्त करने बोल सकता है, तो थ्री नंबर फाइंड करने बोला है, तो 2000 प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, दैट हमें क्या गिवन हुआ, 2001 2 3। ओके, सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में काउंटिंग बाय फाइव राइट द नंबर्स बिटवीन। ओके, इसके बीच के फाइव नंबर हमें फाइंड करना है, दिस नंबर इज कॉल्ड 2342 45 एंड 2365, इनके बीच के हमें फाइव नंबर फाइंड करना है। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सो स्टूडेंट्स इनके बीच के हमें फाइव नंबर फाइंड करने बोल सकते हैं एंड थ्री नंबर फाइंड करने बोल सकते हैं, तो हम सपोज थ्री नंबर फाइंड करेंगे। ओके, वन टू एंड थ्री, और इनके बीच अंतर कितने का रहना चाहिए, फाइव नंबर का। ओके, तो सो 2345 प्लस फाइव, फाइव फाइव टेन, फाइव थ्री टू। ओके,
अब हमें ये इसके अकॉर्डिंग सेकंड नंबर क्या गिवन हुआ, 2350। अब इस 2350 में हम 5 नंबर ऐड करेंगे, देन हमें क्या प्राप्त होगा, 5532। ओके, देन हमें एक न्यू नंबर प्राप्त हो गया, देन 2355 प्लस 5, 5 5 10, 6 3 2। ओके, हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेकंड, 2345 एंड 2365। ओके, इसके बीच के हमको 3 नंबर फाइंड करना था, 2 नंबर हमारे पास गिवन है, टोटल हमारे पास 5 नंबर हो जाएंगे। ओके, तो हम 3 नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ताकि लास्ट में, अगर लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 2360 प्लस 5 ऐड करेंगे, तो हमारे पास गिवन आंसर क्या होगा, लास्ट वाला नंबर गिवन होगा। ओके, लास्ट वाला नंबर आंसर में आएगा हमारे, तो हमारी जो मेथड है वो सही है। ओके, इसमें हम कैसे करेंगे, फर्स्टली फर्स्ट नंबर को आप लेंगे, इसमें 5 ऐड करेंगे, हमें 5 5 का डिफरेंस बोला, तो 5 नंबर ऐड करेंगे, देन आंसर 2350। अब इस न्यू नंबर में हम 5 ऐड करेंगे, देन न्यू आंसर में हम 5 नंबर ऐड करेंगे, दैट इज आंसर। ओके, लास्ट में हम चेक करने के लिए इस लास्ट वाला जो हमारा थर्ड वाला प्राप्त होगा, तो हम उसमें 5 ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है लास्ट नंबर वो प्राप्त होगा, तो हमारी मेथड बिल्कुल सही है। ओके, आप इसे नोट करें। इसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.8 के सेकंड नंबर क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होंगे। सो स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड एंड दिस एग्जांपल थर्ड। सो आई एक्सप्लेन दिस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, काउंटिंग बाय 1000 राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सॉल्व इसमें हम क्या करेंगे, काउंटिंग बाय 1000, गिवन नंबर में हम 1000 काउंटिंग काउंट करेंगे, देन 3 टाइम्स काउंट करेंगे, देन हमारे पास आंसर क्या होगा, थ्री नंबर्स फाइंड करने बोला है, तो हम 3 नंबर फाइंड करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट फर्स्टली 3 नंबर हमें फाइंड करना है, 3 लाइन खींच लीजिए आप। ओके सॉरी, थोड़ा नीचे। फर्स्टली हम इसमें एज वेल एज नंबर नोट करिए, ओके, इसमें हम 1000 ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 1 2, 2 प्लस 1 3 2 6 5। ओके, अब हमारे पास एक न्यू नंबर गिवन हुआ, देन हम इस न्यू नंबर को यहाँ लिखेंगे, देन इसमें हमने 1000 ऐड किया था, अब हम इसमें भी 1000 ऐड करेंगे, और इसे भी हम ऐड करेंगे, 0 1 प्लस 0 1, 2 3 प्लस 1 4, 2 6 एंड 5। ओके, अब हम इस न्यू नंबर में 1000 ऐड करेंगे, सो लुक एट द हेयर, 5 6 2 4 2 1 0। ओके, 1000 ऐड करेंगे, 0 1 2 5 2 6 5। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप 3 नंबर फाइंड करेंगे 1000 ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.8।
सो स्टूडेंट्स, थर्ड में हम सीखेंगे राइट इन फिगर। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट इन फिगर्स। हमारे पास वर्ड्स में गिवन है वैल्यू, हमें उन्हें फिगर्स में फाइंड करना है। ओके, फोर्थ। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करना है, क्वेश्चन गिवन है 85 लाख, वर्ड्स में गिवन है, हमें उन्हें फाइंड करना है फिगर्स में। सो आप फिगर्स में फाइंड करने से पहले ऐसा टेबल नोट करिए, देन 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख एंड 10 लाख। ओके, सो हमारे पास 85 लाख है। 85 में टू डिजिट है, उसमें 8 एंड 5, 8 एंड 5 टू डिजिट है, 85, इसलिए हमने 10 लाख लिया है। ओके, सो 85 बोला तो 85, 85 मतलब हम 0 इधर काउंट करेंगे, 0 0 0 0 0। ओके, हम इसे कॉमा की प्लेसिंग में नोट करेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आफ्टर 3 डिजिट फर्स्ट कॉमा, देन 2 डिजिट सेकंड कॉमा, सो हम इसे कैसे रीड करेंगे, 85 लाख। ओके स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग आप फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रिराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग कॉमर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड हेंस राइट देम इनवर्स। क्वेश्चंस आपको इन नंबर्स में गिवन रहेंगे, आपको इनको वर्ड्स में नोट करना है एंड कॉमा की प्लेसिंग करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी आपको दे सकता है, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमको कॉमा की प्लेसिंग करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। फर्स्टली आप नंबर्स को एज वेल एज नोट राइट करिए। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आफ्टर 3 डिजिट पुट द फर्स्ट कॉमा एंड आफ्टर 2 डिजिट पुट द सेकंड कॉमा, देन सेकंड कॉमा। ओके, अब हम इसे कैसे रीड करेंगे, तो हमें इन्हें वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हम, आप देखिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक, 10 लैक, करोड़। ओके, 7 करोड़, 51 51 लाख, 51 लाख, 32, 32,000, 32,600, 682, 82। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार आपको फाइंड करना है, फर्स्टली कॉमा की प्लेसिंग करना है, देन आपको इनको वर्ड्स में नोट करना है। सो 7 करोड़, 51 लाख, 32,000, 682। ओके, आप से नोट कीजिए एंड इसके अकॉर्डिंग फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। सो स्टूडेंट, सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपको एक प्लेस इंडियन प्लेस वैल्यू की चार्ट चार्ट नोट करना है एंड उसमें आपको इन नंबर्स ये नंबर्स आपके पास गिवन है, इसे आपको लिखना है, तो आप देखिए कैसे लिखते हैं एंड अकॉर्डिंग टू सिक्स नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले वंस मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वंस, देन टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000,
ओके, लैक, 10 लैक, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, सो अब हम इसे पुट करेंगे, टू टू वंस की प्लेस में है, वंस की प्लेस में नोट करेंगे, देन 7 टेंस की प्लेस में है, 7 टेंस की प्लेस में, 400 की प्लेस में है, 5000 के प्लेस में है, 9 10,000 के प्लेस में है, 1 लैख की प्लेस में है, एंड 2 10 लैख की प्लेस में है, देन 3 करोड़ की प्लेस में है। ओके, देन सेकंड वाले को हम इसी प्रकार नोट करेंगे, 2 7 4 6 5 9 2 8। ओके स्टूडेंट, सो आपके पास 6 नंबर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप एक इंडियन प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाएंगे, उसमें आप सभी क्वेश्चन जितने इसमें 5 6 जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें आप 1 बाय 1 नोट करेंगे। ओके, एक ही चार्ट बना के 6 नंबर के जितने क्वेश्चंस हैं उनके नंबरिंग आप नोट करेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, वी हैव 2 नंबर्स, देन हमने 2 नंबर्स को एक ही चार्ट में नोट किया है, इसी प्रकार आपको 6 नंबर के क्वेश्चंस में एक ही चार्ट बना के 6 क्वेश्चंस को नोट करना है 1 बाय 1। ओके स्टूडेंट, योर मैथमेटिक्स होमवर्क इज एक्सरसाइज 2.A, क्वेश्चंस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 ऑफ पेज नंबर 14 एंड 15। ओके, थैंक यू।